हेलो। अरे वाह, कब? 31 को? रवि बहुत खुश होंगे, एक दिन पहले ही चलने को बोलेंगे। ओके बाय। तुम्हें पता है भैया रिटायर हो रहे हैं। कब? 31 मार्च को। आप चलोगे ना? चलूंगा। तुम जानती हो मैं मिस नहीं कर सकता। जिंदगी की रफ्तार अपने चरम पर हो और सब कुछ ठीक चल रहा हो, बिल्कुल आपकी ख्वाहिशों को बरकरार रखते हुए, लेकिन अचानक एक टीस या फिर यूं कहिए कि एक कसक आपको हर उस खुशी से मायूस करती है जो आपका अपराध नहीं लेकिन आपका अपराध बोध बन जाता है, क्योंकि वो कसक किसी गैर के लिए नहीं, अपने ही अजीज के लिए रही हो और उम्र भर यूं ही परेशान करती है। जब जब एक ऐसा मौका आपके सामने हकीकत में आए जो आपको उस अतीत पे लेके जाता है और आपकी आंखों में कुछ अश्क बह जाते हैं, बस यूं ही कुछ सोच में खो जाते हैं आप। पलक झपकते ही एक हफ्ता निकल गया और मधु की बात बिल्कुल सच हुई। हम एक दिन पहले ही अपने साले साहब की रिटायरमेंट के प्रोग्राम के लिए पहुंच गए। बड़ी उत्सुकता थी उनके रिटायरमेंट में। मैं इतना खुश था मानो मेरा ही रिटायरमेंट हो रहा है, लेकिन सिर्फ मैं और मेरी मधु ही जानती थी कि मैं किसी की रिटायरमेंट के लिए इतना एक्साइटेड क्यों होता हूं। ड्राइंग रूम कुछ मेहमानों से भरा हुआ था और अब बस इंतजार था हम सबको हमारे साले साहब का। लीजिए बाबू जी, आपके पति को अब परमानेंटली आपके हवाले किया। थैंक यू सो मच। रोज रोज की चिक चिक पसंद। सब लोग बैठ गए, कुछ नाश्ते पानी का प्रबंध भी था और साथ ही मेरी तरफ से एक केक का तोहफा भी रखा गया था। आप सब लोग ये तो जानते ही हैं कि आज हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। आज हमारे रमेश भैया रिटायर होकर आए हैं। दरअसल रिटायरमेंट का हम लोग अक्सर गलत मतलब निकालते हैं। रिटायरमेंट मतलब, क्योंकि ये व्यक्ति बूढ़ा हो गया है और अब ये ठीक से काम नहीं कर सकता, इसलिए इसे रिटायर कर दो। ये हम सब अक्सर सुनते हैं, जो कि गलत है। रिटायरमेंट सही मायनों में यह मतलब है कि यह आदमी दो तरफ की जिम्मेदारियों में बटा हुआ था। एक जिम्मेदारी निभाने के उसे पैसे मिलते थे और दूसरी जिम्मेदारी निभाने के वो खर्च कर देता था। और अब वो एक तरफ की जिम्मेदारी से मुक्त हो गया है और अब वो सिर्फ एक तरफ की जिम्मेदारी निभाएगा और हमेशा के लिए आजाद है। वो जैसा चाहे, जब चाहे, जिस तरह से चाहे वो जी सकता है। हैप्पी रिटायरमेंट टू यू की आवाज से ड्राइंग रूम गूंज रहा था और अचानक एक बार फिर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कुछ ही पलों में अपने अतीत में खो गया। मुझे वो सब फिर से याद आ रहा था जो अक्सर मुझे ऐसे मौकों पर अपने आप को कोसने पर मजबूर करता है। बात करीब 20 साल पुरानी है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर था और कुछ ही दिनों में मेरे पापा रिटायर होने वाले थे। उनके रिटायरमेंट की डेट तो आए दिन दोहराई जाती थी, पर इतना ध्यान कभी नहीं दिया क्योंकि अपनी उस उम्र तक कभी किसी को रिटायर होते नहीं देखा था और ना ही कभी किसी से कोई चर्चा भी हुई थी कि रिटायरमेंट पर क्या कुछ होता है। और मैंने अपने करियर में कभी किसी को रिटायर होते नहीं देखा था, इस वजह से मेरे लिए यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं लगी और मैं अपने रूटीन टूर पर चला गया। ना माँ ने ना पापा ने कोई जिक्र भी किया कि कोई प्रोग्राम करना चाहिए। शायद उन्हें उम्मीद थी कि उनके बेटे को खुद समझना चाहिए। मैं अपने टूर पर चला गया। उस बीच में वो सब हो गया था जिसका मुझे आज भी पछतावा है। पापा के रिटायरमेंट का दिन, ऑफिस में पूरा प्रोग्राम होने के बाद अपने बॉस की गाड़ी में उनका ड्राइवर घर छोड़ने आया। साथ में उनके एक कलीग भी थे। अंदर सिर्फ माँ थी। ये बच्चे वगैरह कहाँ गए? कोई दिखाई नहीं दे रहा। बेटा जो है वो टूर पे गया हुआ है और मेरी बहू बच्चों को लेने गई है ट्यूशन से। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा यहाँ पार्टी होगी, लोग होंगे, धूमधाम होगी। यहाँ पे बेटे का बॉस आया हुआ था इसलिए वो आ नहीं सका। चलो, पार्टियाँ होती रहेंगी। साहब रिटायर हो गए, आप इनका ध्यान रखिएगा। आप तो मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। टूर से वापस लौटने के बाद, ये सब माँ से सुनने के बाद मैं अपने आप को कोसने लगा। लेकिन मैं क्या करता, मुझे खुद पता नहीं था कि रिटायरमेंट का कुछ प्रोग्राम होता है। लेकिन पापा के उस कलीग के शब्द जो मैंने नहीं सुने, लेकिन मैं आज भी महसूस करता हूं कि उस वक्त कितना असहाय महसूस किया होगा पापा ने। मैं इस गलती को सुधार तो नहीं सकता था। अगले ही दिन अपनी फैमिली को एक छोटी सी पार्टी दी। मैं कोई भरपाई तो नहीं कर पाया, लेकिन आज भी जब भी किसी करीबी का रिटायरमेंट होता है तो मैं उस रिटायरमेंट में शामिल होने की कोशिश करता हूँ। शायद यही मेरे पापा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि उस रिटायरमेंट फंक्शन में वो मुझे देख रहे हैं जिसमें मैं हाजिर होता हूं। Hi guys, I hope you guys love this video. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो do share it, do comment below, because आपका हर एक comment, आपका हर एक share हम लोगों के लिए बहुत important है। हर बार कोई ना कोई स्टोरी, कोई ना कोई शॉर्ट फिल्म आपके लिए हम लेके आते हैं। मनराज टॉकीज इज ऑलवेज देयर फॉर यू। ऑल्सो वी हैव अ ग्रेट थिंग फॉर यू ऑल। अगर आपके अंदर लिखने का जज्बा है और आप चाहते हैं उस लिखावट को हम शॉर्ट फिल्म या फिर एक अच्छी सी फिल्म में उसे बनाएं, तो आप हमें manrajtalkies@gmail.com पे जाके अपनी लिखी हुई कहानी हमें ईमेल कर सकते हैं। और अगर हमें पसंद आई तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी वो लिखी हुई कहानी हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचाए। ऑल्सो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे फॉलो कर सकते हैं। मनराज टॉकीज के नाम से हम आपको मिल जाएंगे। एंड स्टोरी कैसी लगी ये आपको जरूर बताना है कमेंट सेक्शन पे बिलो। एंड ऑल्सो एक शेयर बहुत मैटर करता है, शेयर जरूर करना, ठीक है।